प्लस वन क्लास कॉम्बिनेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको. डिटर्मिन द नंबर ऑफ फाइव कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स. 52 कार्ड्स में से हमें फाइव कार्ड्स निकालने हैं. इफ एटलीस्ट, यहाँ कंडीशन दी है, एटलीस्ट वन ऑफ द फाइव कार्ड्स हैज टू बी ए किंग. उनमें से कम एक किंग होना चाहिए. अब कम से कम का मतलब एटलीस्ट मीन कम से कम का मतलब है कि दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, क्योंकि किंग चार ही होते हैं ना. तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हमारे पास कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू 52. नाउ नंबर ऑफ किंग्स, वो हमारे पास कितने हैं? फोर. किंग फोर होते हैं, ये हमारे पास आ गए. अब रिमेनिंग कार्ड्स, बाकी कितने कार्ड्स बचे हैं हमारे पास? 52 माइनस 4. 52 में से 4 माइनस कर दो, कितने बच गए? 48. अब देखो बेटे, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइव कार्ड्स आउट ऑफ 52. 52 में से 5 का निकालना, तो क्या होगा? 52C5. अब यहाँ पे इसको ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि इनका डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है. इसको नहीं, इसको सीधा ही एक्सपेंड करो. 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. तो करिए यहां से 5 10 जा 50 और ये 2 5 जा, यहां ये कैंसिल हो गया. अब 3 से काटो, 3 से ही कटेगा. 3 1 जा 3 18, 3 6 जा 18, 4 4 जा 16. तो इन सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा, देख लेते हैं कितना बनता है. 52 इंटू 51 इंटू 5 इंटू 49 इंटू 4, ये हमारे पास इतना बना. अब इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे कितना आएगा. दैट इज इक्वल टू, हाँ जी बेटे, ये आएगा आपका 2598960. नाउ अब उसके बाद देखिए, हमारे पास इनमें से वो भी आएंगे जो किंग होंगे. तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन निकालते हैं ऑफ फाइव कार्ड्स, ऑफ फाइव कार्ड्स कंटेनिंग नो, हैविंग नो किंग, जिसमें कोई भी किंग नहीं होगा. हम टोटल में से न किंग, जिसमें कोई किंग नहीं होगा वो माइनस कर देंगे. देखो किंग को निकाल कितने बने थे हमारे पास? 48. 48 में से 5 निकालने हैं, तो यहाँ पे आपका 48 को 5 टर्म्स तक एक्सपैंड करो. 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. ना हमें अभी और करना है, इसको सॉल्व करना है. देखो यहां से ये जो है, इसको 5 9 45, तो ये 3 3 9, 4 काटो इसे 11 एंड 2 को काट देते हैं यहां से, कितना आएगा? 2 24. ये हमारे पास बचा 24 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 3 इंटू 11. अब हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई करके कितना, ये हमारा जो है मल्टीप्लाई करके आ रहा है 2598960. सॉरी, ये तो ऊपर वाला था, ये आ रहा है 1712304. नाउ अब हमें क्या निकालना है, यहां से हमें क्वेश्चन में निकालना है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस. रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इज इक्वल टू जो टोटल आए थे उसमें से ये माइनस कर देंगे. टोटल कितना था? 2598960, उसमें से माइनस कर देते 1712304 और ये माइनस करके आएगा 88656. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, अ कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 मैन एंड 3 वुमेन. हमें 3 पर्सन चूज करने हैं, कहा 2 मैन और 3 वुमेन में से, मतलब ये कितने हो गए? 2 और 3 कितने हो गए? 5. 5 पर्सन में से हमें 3 पर्सन सेलेक्ट करने हैं. इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन, ये तो सिंपल हो गया, 5 में से 3 करने हैं, 5C3. इन हाउ मेनी ऑफ दीज कमेटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन, इसका हम सेकेंड पार्ट अलग से करेंगे. पहले सबसे पहले आप देखिए हमारे पास टोटल पर्सन कितने हो गए. टोटल पर्सन देखिए कितने थे, 2 मैन और 3 वुमेन. 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5. और हमें कितने पर्सन की कमेटी बनानी? 3 पर्सन की. तो यहां पे लिखोगे नंबर ऑफ पर्सन 2 बी टेकन इन अ ग्रुप इज इक्वल टू 3. तो हमारे पास आगे क्वेश्चन में उसने पूछा था इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन. तो लिखते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया 5 में से 3, तो ये कितना आएगा? 5C3. तो इसको खोल लो, इनका डिफरेंस थोड़ा ही है. 5C3 को आप लिख सकते हो 5C2. 5 माइनस 3 कितना आएगा? 2. तो 5 को 2 टर्म्स तक ब्रेक कर दो, 2 इंटू 1 ये कट गया, ये हमारे पास आ गया 10. ये तो हमारे पास था फर्स्ट पार्ट.
नाउ सेकेंड पार्ट जो है हमारे पास कहता है हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ वन मैन एंड टू वुमेन। आप करिए ऐसा बनाइए रफ में, यहाँ पर मैन और वुमेन लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास मैन थे और इधर है वुमेन। मैन टोटल कितने हैं हमारे पास, देखो यहाँ पे टू मैन एंड थ्री वुमेन। और जो हमें कमेटी बनानी है वो कितने की बनानी है, कहते हैं वन मैन एंड टू वुमेन। ये जो दिया है जितने टोटल है वो ऊपर लिख लिए, जो चाहिए वो नीचे लिख दिया हमने। अब मतलब कि टू मैन में से हमें एक वन मैन चाहिए एंड थ्री वुमेन में से कितने चाहिए, टू चाहिए। तो आप सिंपली इसको लिख दोगे वन मैन हैज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम टू मैन इन, क्या होगा टू में से वन है तो टू सी वन वेज। एंड अब वुमेन कितनी है, थ्री, और कितनी चूज करनी, सिलेक्ट कितनी करनी, टू। टू वुमेन हैज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम कितने में से, थ्री, थ्री वुमेन इन थ्री सी टू वेज। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हमारे पास जो बनेंगे वो कॉम्बिनेशंस बनेंगे, जो कमेटीज हमें बोला, उसने कमेटी निकालने के लिए बोला है रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कमेटीज। देखो जब तक हमारी कंडीशन पूरी नहीं होती हम उनको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ये एक आ गया हमारा 2c1 इंटू, दूसरा क्या है 3c2। क्यों हमने इंटू किया, क्योंकि हमें जो है थ्री पर्सन सिलेक्ट करने थे, हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, थ्री पर्सन सिलेक्ट करने। देखो वन अभी एक ही हुआ ना, एक मैन ही हुआ, अभी दो और चाहिए थे इंटू, तभी हमने इंटू किया, क्योंकि जब तक हमारे तीन पूरे नहीं हो जाएंगे हम उनको कंडीशन कंप्लीट नहीं होती हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो nc1 क्या होता है, n, और 3c2 को आप ब्रेक कर दो, 3 × 2 / 2 × 1 ये कैंसिल हो गया और 3 × 2 = 6। दैट्स ऑल बेटा।